आई होप आप सब ठीक होंगे। ये आज हमारा जो लेक्चर है ये प्रोग्राम के ऊपर मिशनल है। ये प्रोग्राम आपको बताएगा कि अगर हम डाटा मेंबर्स को पब्लिक लें तो हम उनको क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं। ये जस्ट एक प्रोग्राम एग्जांपल है जो समझाने के लिए है कि आप डाटा मेंबर्स को पब्लिक भी ले सकते हैं। प्राइवेट बाई डिफॉल्ट होता है, आप चाहें तो पब्लिक भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम की बेसिक और इसके बाद सेमीकॉलन आ गया, इसके मतलब क्लास यहाँ एंड हो गई। ये कैसी क्लास है जिसके अंदर सिर्फ तीन मेंबर वेरिएबल हैं, कोई मेंबर फंक्शन नहीं है, और ये तीनों के तीनों जो मेंबर वेरिएबल हैं ये क्या है, पब्लिक है, और उसकी डेटा टाइप क्या है, डबल है। हाँ जी, मेन फंक्शन वो जगह जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेन। यानी मेन से स्टार्ट होगी बॉक्स बी वन बॉक्स बी टू। बॉक्स क्या है, क्लास का नाम। बी वन क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है। क्या हुई है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बी1। बॉक्स बी2 ये भी क्या हुई है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है। दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं हमने, दोनों का नाम, एक का नाम बी1 दूसरे का नाम बी2। आप चाहते तो इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते थे, बॉक्स बी1 कोमा बी2। आपकी मर्जी है, आप एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हो, आप अलग अलग लिख सकते हो। हाँ जी, ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई, एक कौन सी बी वन, दूसरी कौन सी बी टू। हाँ जी, उसके बाद डबल वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.0। एक वेरिएबल दिया है, उस वेरिएबल का नाम क्या है जी, वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू क्या है, 0.0। अब ये देखिए बी वन डॉट हाइट इज इक्वल टू 5.0 वैल्यू दी जा रही है। किसको, हाइट वेरिएबल को। हाइट वेरिएबल ये है, ये ये वेरिएबल हाइट है। अब इस वेरिएबल को आप आउटसाइड दी क्लास यूज कर रहे हैं, यहां पे यूज कर रहे हैं, किस वजह से, जिसके पब्लिक है। अगर ये प्राइवेट होता तो हम ऐसे डायरेक्टली यहां पर इन वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते थे। तो बी वन डॉट हाइट कितना हो गया, 5.0। बी वन डॉट डेप्थ कितना हो गया, 6.0। और बी वन डॉट ब्रेथ कितना हो गया, ये हो गया 7.0। ये तीन वेरिएबल्स को वैल्यू दे दी। एक ऑब्जेक्ट कौन से बनी है, बी वन बनी है, और दूसरी ऑब्जेक्ट कौन से बनी है, बी टू बनी है। जो बी वन की बी वन डॉट लेंथ है, बी वन डॉट विड्थ है, और बी वन डॉट ब्रेथ है। इसी तरीके से बी टू जो ऑब्जेक्ट है इसकी क्या है, बी टू डॉट लेंथ होगी, बी टू डॉट विड्थ होगी, और बी टू डॉट ब्रेथ होगी। अब इनको वैल्यू देने जा रहे हैं हम। हाँ जी, बी वन डॉट फाइव कितनी है, फाइव, इसमें फाइव स्टोर होगी। बी वन डॉट लेंथ, लेंथ सॉरी हाइट में कितना स्टोर हो गया, 5। लेंथ में कितना स्टोर हो गया, 6। और बी वन डॉट ब्रेथ में कितना स्टोर हो गया, 7। ये वैल्यू स्टोर होगी किसमें, बी वन ऑब्जेक्ट में। अब उसके बाद आगे जी बी टू डॉट हाइट की इतना 10। हाँ जी, बी टू डॉट हाइट लेंथ विड्थ नहीं स्टोर होगी, हाइट लेंथ, हाँ जी हाइट, तो ये बी टू डॉट हाइट। हाँ जी, हाइट की कितनी वैल्यू आएगी, 10.0। और फिर बी टू डॉट लेंथ, लेंथ की कितनी आएगी, 12.0। और फिर बी टू डॉट ब्रेथ में कितनी आएगी, 13.0। ये वैल्यू हो चुकी। वॉल्यूम इज इक्वल टू बी वन डॉट हाइट, हाँ बी वन ऑब्जेक्ट का नाम, हाइट कितनी आएगी, 5। यहां क्या आएगा, 5 इंटू बी वन डॉट लेंथ, लेंथ कितनी है, 6।
into 6 into V1 dot third, वो कितनी है 7. तो 5 into 6 into 7 ये मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा कितने स्टोर देगा वॉल्यूम. तो यहाँ पर वॉल्यूम भी स्टोर हो गया क्या 5 into 6 into 7. ये कितना बना 5 into 6 into 7, ये बना 210. सी आउट वॉल्यूम ऑफ V1 इक्वल टू आउटपुट में लिखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ V1 इक्वल टू वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू कितनी 210. फिर वॉल्यूम इक्वल टू V2 इंटू V2.5 इंटू V2.x इंटू V2.width. तो अब ये वाला वॉल्यूम आ गया वेरिएबल वही है अब इसमें ये वाली वैल्यू स्टोर होगी कितनी होगी 10 into 12 into 30. तो ये सारा कैलकुलेट होके तो जो वैल्यू बनेगी ये वैल्यू बनेगी 1560. सी ओ वॉल्यूम ऑफ V2 आउटपुट में क्या निकालेगा वॉल्यूम ऑफ V2 इक्वल टू और इस वॉल्यूम के अंदर ये वैल्यू कितनी वैल्यू है 1560 ये आउटपुट है. तो स्टूडेंट आपने देखा सिर्फ समझाने का मतलब ये था कि ये जो 3 डेटा मेंबर थे कुछ नया नहीं है प्रोग्राम में आसान आसान स्टेटमेंट का जो ऑलरेडी कर चुके हैं. सिर्फ बताने का मतलब ये है ये 3 मेंबर वेरिएबल प्राइवेट नहीं थे पब्लिक थे. तो इनको हमने क्लास के बाहर यहां भी यूज किया यहां भी यूज किया यहां भी यूज किया यहां 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 फिर इसके बाद यहां 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 और यहां 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 इनको हमने कितने जगह पर यूज किया. ये आउटसाइड क्लास यूज नहीं हो सकते अगर यहाँ पे प्राइवेट होता तो अगर पब्लिक हो तो हम इनको बाहर यूज कर सकते हैं. तो ये हमारा आज का लेक्चर था. इस प्रोग्राम में अगर आपको कुछ समय ना आए तो आप पूछ सकते हो. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.